हे गाइस वेलकम बैक टू OBLX व्लॉग्स। तो भाई साहब मैं अभी आया हूँ यहाँ पर शॉप पे अभी भाई की, और मैंने ऑनलाइन एक गेमिंग कंसोल ऑर्डर किया था अभी भाई के लिए, तो वो आज आ चुका है और गिफ्ट रैप करवा के मैं उसको लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। देखो अब जाते हैं शॉप में और अभी भाई को दिखाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना वीडियो गेम्स वगैरह ऐसे पुरानी, तो ये वो वाला है। ज़रा जाते हैं और देखते हैं रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है चलो। ये देखो भाई, बोला था ना गेम खेलना पसंद है भाई। अरे क्या वीडियो बना रहा है? देख लो भाई, गेम की वीडियो बना रहे मेरी। भाई गेम खेलते हो ना आप, इतनी आपके लिए लेकर आया हूँ एक चीज, सरप्राइज लाया हूँ। ये देखो तो मेरे लिए। हाँ देख लो, बड़े बड़े तो है नहीं यार। ऐसे ही लाया हूँ, खोल के देखो। किस चीज का गिफ्ट ये बता तो सही। गेमिंग कंसोल है। तो व्लॉग कर रहे हैं, बताया भी नहीं मेरे को। गाइज ये देख लो हमारी शॉप है, ये खोलो आप, बता दी मेरे को है? लेके क्या आया वैसे? गेमिंग कंसोल है ये। गेमिंग? हाँ पुरानी गेम्स है ना वो खेल सकते हो आप इस पे भी। अरे आप तो दिन बन गया भाई साहब, ना बर्थडे ना शर्टे, गिफ्ट मिल गया भाई साहब। अनबॉक्सिंग। अरे ये तो वही कंसोल है ना जो अपन देख रहे थे। मैं अभी मंगाया मैंने दो दिन पहले, अब आया आज जाके। डबल दिन बना दिया भैया, एक तो गिफ्ट ऊपर से गेमिंग जो मैं देख रहा था कि मेरे को चाहिए। अरे तूने तभी देखा होगा मेरे को, मैं चेक कर रहा हूँ ये चीजें। माय गिफ्ट। अभी खेलेंगे भाई, ये बंद करो। मैं ये खेलना भाभी GTA। ये कौन सी गाड़ी है? ये तो बैड मोबाइल भाई, GTA खेल रहा है। नाइस। अब ये वाली लगा कर देखते हैं, ये देख लो गाइज, आपको भी पीछे का दिखा दो। ये जल्दी कर, जल्दी भाई खोलेंगे इसको, खेलेंगे। अब खोलो। ओह माय गॉड, दो दो रिमोट भाई, ऐसा लग रहा कितने तगड़े वाले लग रहे हैं तो देखने में ही। मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करे थे। के साथ मिलते थे ऐसे। हाँ ये है, ये देख, ये दिखा भैया, ये है गेम स्टिक। मेन चीज तो ये है, पहले आती थी जो बड़े बड़े भाई साहब, PS1 PlayStation 1 i2 भाई, ये आ गया अभी कंसोल। देखो गाइस छोटा सा कंसोल, मुझे तो पर अभी तक विश्वास नहीं हो, सही में बता रहा हूं। मुझे तो सही में मंगवा ली भैया, मुझे तो उतना आइडिया है नहीं इसका, मैं बोला मंगा के देखता हूँ आपको ही समझ आएगी। अरे भाई मोजा ही मोजा करा दी तूने तो। ये भाई साहब HDMI केबल 4K में चलेगी, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बोलते हैं कि ये 4K में चलती है। इसके साथ ये USB केबल मिली है, और क्या है ये मिला है ये। अच्छा ये वो है सेंसर रिमोट्स का। अच्छा इसमें? अरे यार अब ले तो आए हम लोग। हाँ पत्र को जाना पड़ेगा एक बार और। क्यों? विदाउट रिमोट नहीं खेल, सेल नहीं खेल सकते ना इसको। सेल तो लगेंगे भाई, उन दे नहीं है सही में। सेल नहीं भाई, सेल नहीं डालते ना बीच में। अच्छा जा रहा है ऑर्डर वोडर पे तो वो खराब हो जाते हैं, लीक कर जाते हैं। खाली पड़ा है, लाता हूँ। तो तू अभी सेल लिया तो सेल लिया, पहले जाके फिर इसको लगाते हैं, फिर दिखाते हैं प्रॉपर कैसे चलती है। ठीक है। तो अच्छा गुड्डू मैं ना ये बोल रहा था कि एक बार ना इनको बता देते हैं व्यूवर्स को कि क्या क्या सामान मिलता है और लगेगा कैसे और चलेगा कैसे। इस डब्बे के अंदर ये सब आपको सामान मिलेगा, ठीक है ना। दो रिमोट मिलने वाले हैं इसके अंदर, ये मेन कंसोल हो गया गेमिंग स्टिक। तो गाइस सबसे बड़ी बात, ये जो गेम स्टिक है इसके अंदर यहाँ पे पड़ता है मेमोरी कार्ड, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इससे पंगे मत लो, ये जैसे है इसको वैसे ही यूज करो, कुछ इसको निकाल के नई गेम पुरानी गेम ऐसे करने का कोशिश मत करना, क्योंकि पूरा वाइप आउट हो सकता है भाई, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रिमोट का सेंसर हो गया छोटू सा, ठीक है ना। ये HDMI पोर्ट, ठीक है, ये होती है सबके पास, ये तो एक्स्ट्रा दी है इन्होंने। ये पावर केबल है और ये खुद घर से लेना पड़ेगा, ये साथ में नहीं आएगा। ये कोई भी मोबाइल का अडॉप्टर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 5 वाट का कितना होता है ना पता होगा। तो 4 सेल भी खुद लेने पड़ेंगे ये जो रिमोट में लगेंगे। तो अभी लगा के दिखाता हूँ फटाफट, जल्दी आओ खेलने में मेरे को गेम, ठीक है ना। ये देखो ये कंसोल है, इसके अंदर ही सब कुछ लगेगा। सबसे पहले लगाएंगे पावर केबल। अरे भाई ये देखो, ये छोटा सा मुंह बना हुआ है, छोटी सी तार जाएगी। ये देखो ये पावर केबल लग गई। अरे भाई टूट जाता अभी, ये पावर केबल लग गई। और जो ये है सेंसर रिमोट का, ये इसके साथ ही बना हुआ है USB वाला, ये इसके अंदर लग गया। ये रिमोट का हो गया, ये पावर का हो गया, ठीक है। और उसके आगे ये लग जाएगा हमारा डॉक्टर पावर देने के लिए, और ये HDMI पोर्ट।
डायरेक्ट लग जाएगा टीवी के पीछे आपको, तो ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा दे रखी है, मेरे टीवी के पीछे लगती नहीं है ये एक्स्ट्रा, इसलिए अच्छा दिया हुआ उन्होंने। तो इसको इसके अंदर ऐसे कनेक्ट करो, आ भाई उस साइड टीवी के। तो ये अपना प्रॉपर सेटअप तैयार हो गया इतना सा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये पावर केबल को अपना पावर दो यहां से, और ये HDMI है जो सी, इसको टीवी के पिछवाड़े में कहां है दिख रही है HDMI, ये है ना, ये रही। तो ये इधर लग गई, बस इतना सा काम है। और जो भी तुम्हारे अंदर मोड रहेगा HDMI, जल्दी है चालू होने वाला, जो आगे आपका HDMI वो रहेगा ना, HDMI का जो मोड रहता है वो ऑन करो तो गेम चालू हो जाएगी, ठीक है ना। ओ फटाफट सेल डाल लेते हैं भाई, सेल तो डाले नहीं, चालू कैसे करेंगे। तो ये अपन डालेंगे सेल, तू खेलेगा क्या मेरे साथ? खेलेगा? हाँ जी भाई, पक्का? हाँ ओके। तो गाइस वो देखो, ये आ गई गेम, इसके अंदर 4K है, बोलते हैं अभी चाह के देखते हैं क्या चाहे, क्योंकि इसके अंदर ना देखो NES ES जो भी होती है पुरानी गेम्स है ना, जो कैसेट वाली थी, और PS1 तक की गेमें इसके अंदर मिलेंगी आपको, ठीक है ना, जो हमने खेल रखी है बचपन में। तो मैं फटाफट डालता हूँ, मेरे को बहुत खुजली हो रही है खेलने की। ये डल गया इसके अंदर, अरे पिचिक पिचिक हो गया, डब डब हो गया तो, अरे डब डब डिपन डब डम डम डिगा डिगा। ये देखो रिमोट पे लाइट आ गई और ये काम कर रहा है, ये देखो यहाँ से क्ला, ये देखो ये गेम्स मिलेंगी आपको, ये इतनी सारी गेम्स हैं, ये सब फॉर्मेट्स हैं आपके, PS1 Atari JVC SC, ये सब मिलने वाली है हमें। यहाँ से सिलेक्शन करते हैं PS1, मैं बैठ जाऊँ? एक खेल के दिखाओ आप। हाँ बैठ के खेलता हूँ भाई। जो लास्ट बनाई थी ना मैंने, जो वीडियो जो लास्ट गेम की बनाई थी, उसमें रिमोट छोटे थे और 620 में पूरे गेम्स है भाई, सब गेम्स इसके PS1 तक मिलने वाले हैं आपको। न्यू गेम, कितना टाइम लेगी? बहुत ज्यादा। भाई छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे उस टाइम खेलते रहे गेम। तो भाई ये देखिए इसके अंदर डोंकी कोंग भी है, मतलब कैसेट में भी ना, जो पुराने वर्जन की कैसेट थी उसके बाद और बड़े वर्जन की कैसेट आई वो गेम्स भी है। देखो डोंकी कोंग, ये भी हम शॉप्स पे जाके खेलते थे, दुकान हुआ भाई, मैंने बहुत पैसा उड़ाया इन गेमों पे। और आज मेरे को पता लगा, मतलब वायरलेस खेलूंगा ये गेम आज भी उड़ा रहे हैं। नहीं मेरे को यही पता कि वायरलेस खेलूंगा भाई, इतना बड़ा बड़ा कंसोल होता था, ये लंबी लंबी तारे होती थी तब खेलते थे उसको, फूक मार मार के कैसेट की। तो गाइस मेरा बोलने का मतलब है ये, इसके अंदर आपको हर गेम मिलने वाली है, मारियो से लेके जो और लेटेस्ट वर्जन थे PlayStation 1 तक की सब गेम मिलेंगी, बहुत ही मजा आ रहा खेलने में। तो अगर इसका आपको इससे बाहर जाना है, वो सेम चीज है, सिलेक्ट और स्टार्ट बटन एक साथ दबाओगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, रीस्टार्ट सेव करना है आपको, क्विट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यानी कि देखना आगे से थोड़ा क्लोजर से दिखा दे, मैं ये बता दूँ इनको, ठीक है ना। तो भाई जो ऊपर देखो आप लिखा होगा लिस्ट क्लास हिस्ट्री कलेक्ट सर्च, तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो ये R1 बटन है रिमोट का और ये L1 है ना, तो ये R1 दबाएंगे तो नेक्स्ट जाएगा, ये देखिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से फॉर्मेट की गेम उस टाइम खेलनी है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएंगे सारी क्लास, ठीक है। तो गाइस इसका लिंक है तेरे पास जहाँ से तूने मंगवाया? ढूंढना पड़ेगा, डाल देंगे, तो इसका लिंक भी डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में, आपको चाहिए तो मंगवा लेना। तो अगर आपको पर्सनल मिलता है तो ऑब्वियस है, अगर ऑनलाइन मंगवाओगे पर्सनल आपको कम रेट में मिलेगा, अगर आपको मिल सकता है कहीं पर, ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली रहता है, ऊपर नीचे होता है प्राइस। तो गाइस गेम खेलो, मंगवाओ, गिफ्ट दो लोगों को, ठीक है ना, जो मेरे एज के हैं जिन्होंने पुरानी गेम्स खेली उनको गिफ्ट ये पसंद आएगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, मैं खेलता हूँ अभी गेम।
बाहर में घुसे जा रहा है वहां, सामने खोलेगा कल।